हाय गाइस, अभी मैंने रिसेंटली एक डैशकैम खरीदा है जिसका नाम है प्रोकस आयरस। अगर आप ड्राइविंग करते हैं, आपके पास कार है और आप डेली बेसिस पे जाते हैं या कहीं दूर जाते हैं लॉन्ग ड्राइव पे या शॉर्ट ड्राइव पे जाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि डैशकैम इज अ मस्ट प्रोडक्ट विच यू हैव टू डेफिनेटली बाय फॉर योर कार एंड फॉर योर सेफ्टी पर्पज। बिकॉज आप कभी भी कहीं जाते हैं और आप अगर एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं या एक्सीडेंट हो जाता है आपका, आपके पास एक प्रूफ के तौर पे आपके पास एक डेटा सेव रहता है जो आपके काफ़ी काम आ सकता है। तो इसलिए मैंने आज परचेस किया है या मंगाया है अमेजोन से प्रोकस आयरस का डैश कैम। और तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो ये है हमारे डैश कैम का पैकेट। पैकेट को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर डायरेक्टली इसका बॉक्स दिख जाएगा। बॉक्स पर आपको इस कैम का डिज़ाइन मिल जाएगा, ऊपर आपको ब्रांडिंग मिल जाएगी, साइड में देखने पर आपको यहाँ पर कुछ फीचर्स मिल जाएंगे इसके बारे में, जो कि हैं साइकिल रिकॉर्डिंग, जी सेंसर, 2 इंच की TFT डिस्प्ले आपको इसमें मिल जाती है, मोशन डिटेक्शन, पार्किंग मॉनिटरिंग भी इसमें आपको मिल जाता है। कुछ इस तरीके का इसमें आपको डिज़ाइन मिलता है प्रोकस आयरस। इसमें आपको कार चार्जर मिल जाता है और 1 पीस सेक्शन माउंट मिल जाता है, और इसी के साथ आपको यहाँ पर एक यूज़र मैनुअल भी मिल जाती है। ये हैं इसके सारे फीचर्स जिसको आप वीडियो को पॉज करके भी रीड कर सकते हैं। तो चलिए इसको ओपन करते हैं और देखते हैं इस प्रोडक्ट की बिल्ड क्वालिटी को भी। तो बॉक्स पर सबसे पहले यहाँ पर आपको एक छोटा सा डॉक्यूमेंटेशन मिल जाती है इस डैश कैम के बारे में। इसको रखते हैं साइड में और यहाँ पर देखते हैं बॉक्स कॉन्टेंट को। तो ये है हमारा कैमरा और इसके बाद यहाँ पर आपको एक केबल और एक सेक्शन माउंट और एक चार्जर भी इसमें आपको मिल जाता है। लास्ट में इसमें आपको एक यूज़र मैनुअल मिल जाएगी जिसको पढ़कर आप इसके बारे में और डिटेल भी जान सकते हैं। तो ये है हमारा डैश कैम और बिल्ड क्वालिटी सच में काफ़ी प्रीमियम है और इस प्राइस पॉइंट पे काफ़ी अच्छा डैश कैम है। 2 इंच की TFT डिस्प्ले है, 4 नेविगेशन बटन मिल जाते हैं यहाँ पर आपको, साइड में आपको पावर बटन मिल जाता है तो इसको लगाकर ऑन करेंगे, और ये है वाइड एंगल लेंस के साथ। साइड में आपको मेमोरी कार्ड लगाने का प्लस केबल लगाने का ऑप्शन भी इसमें आपको मिल जाता है। तो ये है इसका सेक्शन माउंट जिस फ्रंट मिरर पर लगाएंगे, और इसके बाद ये है इसका चार्जर जिसमें ऑलरेडी केबल कनेक्टेड है। तो इन प्रोडक्ट की बिल्ड क्वालिटी सच में काफ़ी बेटर है इस प्राइस पॉइंट पर। तो चलिए इसको करते हैं कार में इंस्टॉल। मैं आपको बताता हूँ कि कार में ये कैसे इंस्टॉल होगा और उसके बाद देखते हैं इसकी वीडियो क्वालिटी को। हम नाइट और डे दोनों ही वीडियो क्वालिटी को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या होगा कि हमें यहाँ इंस्टॉल करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पर इसको चिपका दिया है और इसको लगाने के बाद और ये कैमरा यहाँ पर फिट कर दिया, तो कैमरा प्रॉपरली यहाँ पर हमारा फिट हो गया है। उसके बाद ये जो वायर आ रही है, ये वाली वायर, ये जो वायर आ रही है, इस वायर, ये देखो आप, ये ऐसी वायर इसके साथ ही मिलेगी और ये प्लग के साथ मिलेगी। ये देखिए पूरी वायर है। अब इसके इस प्लग को हमें सिंपली यहाँ पे इस पोजीशन पे यहाँ पे लगा देना है। तो जैसे ही आप इसको लगाएंगे वैसे ही देखो यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। ये देखिए, अब हमें यहाँ पे सामने का व्यू मिल गया। ये मेरे सामने व्यू है, वही व्यू देखो आप, यहाँ पे कैमरा स्टार्ट हो गया, मुझे मिल गया। तो अब ये बाकी मेन्यू का बटन है और ये अप एंड डाउन, और यहाँ पे यहाँ से मैनुअल खुल सकता है, जैसे यहाँ से मैनुअल खुल सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये इंस्टॉलिंग समझ में आ गई। बिल्कुल सिंपल है, कुछ इसमें ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल इजी है गाड़ी में अपने यहाँ पे लगाना है। तो मैं अब आपको दिखा देता हूँ, इससे जो मैंने शॉर्ट्स लिए हैं वो मैं दिखा देता हूँ आपको। आपको ये अनबॉक्सिंग या ये प्रोडक्ट प्रोकस आयरस डैश कैम आपको अच्छा लगा हो, तो बेसिकली इसके पीछे रीजन था ये मंगाने का कि मुझे एक अपने कार के लिए, मैं डैश कैम देख रहा था, जो क्योंकि आपको पता है कि मैं
ट्रैवल पे निकलता रहता हूँ, खासकर मैं ज़्यादातर अपनी कार से ही निकलता हूँ, तो मुझे लगा यार मेरी कार में डैश कैम होना चाहिए जो मेरे सेफ्टी के लिए एक ठीक प्रोडक्ट होगा जिसको मैं अपनी कार में लगा सकता हूँ और इजीली यहाँ वहाँ ट्रैवल कर सकता हूँ। तो बस इसीलिए मैंने ये प्रोडक्ट मंगाया। प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा नहीं है और बहुत ख़राब भी नहीं है, मिड रेंज का है और अच्छा है, सस्ता भी है, 2500 का मैंने इसको परचेज किया। अगर आपको भी परचेज करना है तो जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे रखा है आप जाइए उस लिंक पर क्लिक करके आप परचेज कर सकते हैं। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। और टिल देन मैं मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।